हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्यू डिलाइट्स। आज शाम को ही पता चला कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं घर पर लंच के लिए, तो सोचा उनके लिए क्या बनाएं। फिर आइडिया आया, बना लेते हैं चने। चलिए तो शुरू करते हैं अपने चने की रेसिपी। उसके लिए मैंने चने रात ही भिगोकर रख दिए थे, अब मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम अपने चने बॉयल करने के लिए रख देते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कुकर और उसमें ऐड कर दिए हैं मैंने चने। थोड़ा किया है उसमें पानी ऐड ताकि हमारे चने अच्छे से बॉयल हो जाए। उसमें नमक भी ऐड कर देते हैं ताकि चने हमारे जल्दी बॉयल हो जाए। तो चलिए, इतने हमारे चने बॉयल होते हैं। अब मैंने रख दिए हैं चने बॉयल होने। हम अपनी वेजीज कट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 5 से 6 टमाटर। अब हम उनको रफली चॉप कर लेते हैं। मैंने यहाँ टमाटो को ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में नहीं कट किया है क्योंकि मुझे और एक ले लिया है मैंने यहाँ मीडियम साइज का प्याज, उसको भी मैंने रफली ही चॉप किया है, ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं कट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है ग्रीन चिली, उसको भी हम रफली ही चॉप कर लेते हैं। ग्रीन चिली को मैं अनियन के साथ ही ग्राइंड करती हूँ ताकि ये मुंह में नहीं आए। उसके बाद हमने ले लिया है यहाँ पर हरा धनिया, उसको भी हम अभी कट करके रख लेते हैं। अब हमारी वेजीज भी कट चुकी हैं और थोड़ा ले लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने ले ली है लहसुन भी। छोलों में एक अलग ही फ्लेवर देता है, इसलिए मैं हमेशा छोले बनाते टाइम लहसुन ज़रूर ऐड करती हूँ। अब हमारी वेजीज भी पूरी कट कर रेडी हो चुकी हैं। अब हम सभी को ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मिक्सी जार, जिसमें मैंने ऐड कर दी है अपनी कटा हुआ प्याज एंड लहसुन की कलियाँ और ग्रीन चिली। इसका हम एक पेस्ट बना। अब हमारा प्याज और हरी मिर्च एंड लहसुन का पेस्ट बन चुका है। उसके बाद हमने इसको निकाल लिया है एक बाउल में, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर अपने टमाटो भी ग्राइंड करने हैं। अब मैंने ले लिए यहाँ अपने चॉप हुए टमाटर, अब हम इनको भी ग्राइंड कर लेते हैं और इनका एक पेस्ट बना लेते हैं। अब हमारे यहाँ टमाटर का भी पेस्ट बन चुका है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। यहाँ पर मैंने टमाटो को पेस्ट बनाकर निकाल लिया है एक बाउल में। हमारे छोले बनाने का सारा सामान रेडी हो चुका है। चलिए देख लेते हैं अपने चनों को कि वो बॉयल होते हैं नहीं। तो मैंने यहाँ पर देख खोल लिया अपना कुकर। देखिए, अब हमारे चने भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम छोले बनाना। अब मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई, उसमें मैंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल। अब हमारा ऑयल भी थोड़ा पक चुका है, अब मैंने उसमें ऐड कर दिया तेजपात। तेजपात भी अच्छा टेस्ट देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली एंड प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको हम थोड़ा सा भुनने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने टमाटर की ग्रेवी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर अपने टमाटर की ग्रेवी ऐड कर दी है। अब हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं पकने के लिए। तब तक छोड़ देते हैं जब तक ये अपना तेल नहीं छोड़ देता। अब ये ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा कलर देती है छोले में। अब उसके बाद मैंने इसको चला दिया। अब हमारा मसाला भुन चुका है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं अपने बॉयल हुए चने। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है चाय पत्ती का पानी, उसको मैंने पहले ही अभी बॉयल कर लिया था। चाय पत्ती पानी एक अच्छा फ्लेवर देता है। उसमें मैंने ऐड कर दिया है कद्दूकस करके अदरक। सर्दियों में अदरक अच्छा रहता है और अच्छा स्वाद भी देता है। अब हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। पकने के बाद देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हमारे चने बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम उसमें ऐड कर देते हैं अपना धनिया। धनिया भी ऐड हो चुका है। अब हमारे चने तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अब मैंने बनाए हैं थोड़े से मीठे पूड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद है।
उसके लिए मैंने आटे में चीनी डालकर उसका घोल पहले से ही बना के रख दिया था। ये मैंने थोड़े से ही बनाए हैं, मुझे ही पसंद है। बस हमारे मीठे पोहे भी बनकर रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं पूड़ियाँ। पूड़ियों के लिए मैंने आटा पहले ही लगा कर रख दिया था ताकि पूड़ियाँ फूली फूली आए। अब हमारी पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं दोस्तों। चलिए अब हम बना लेते हैं रायता। छोले बने हैं और उसके साथ रायता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे छोले के साथ रायता बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने दही रात ही जमने रख दी थी। अब उसमें मैंने ऐड कर दिया है बूंदी जो कि मैंने मार्केट से मंगवाई थी। अब उसमें मैंने ऐड किया है हरा धनिया और स्वाद अनुसार सॉल्ट। अब उसमें मैंने ऐड कर दी है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च एक अच्छा टेस्ट देती है रायते में। अब मैंने उसको मिक्स कर दिया है। अब हमारा रायता भी बन चुका है। अब हमारा सारा खाना रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने छोलों को निकाल लिया है एक बाउल में सर्व करने के लिए। देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं हमारे छोले। चलिए छोले भी तैयार है, सब तैयार है। अब हम कर लेते हैं अपनी प्लेटिंग। ने हम प्लेटिंग कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो तक पहुँच चुके। और आप भी अपने घर छोले की रेसिपी ज़रूर बनाएं, आपको अच्छी लगेगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हमारी प्लेटिंग भी हो चुकी है। चलिए मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इतना डिलीशियस खाना देख के। साथ में ही छोले हो रायता हो उसके खाने के बाद और मीठा ना हो तो यहाँ पर मैंने मंगवा ली थी पहले ही मार्केट से अपनी फेवरेट मिठाई कलाकंद जो कि मेरे यहाँ पर सबको बहुत पसंद है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।